शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है। ऐसे में आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिग ब्लिस है आपके साथ। अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप और सिर्फ 10 मिनट में पाए अपना सारा सामान। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। इम्पोर्ट ड्यूटी में भारी कटौती के बावजूद खाद्य तेलों का दाम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले एक साल के दौरान इम्पोर्ट ड्यूटी और कृषि कल्याण शेष में रिकॉर्ड 40 फीसदी की कटौती की जा चुकी है, लेकिन खाद्य तेलों के दाम में हो रही वृद्धि पर काबू नहीं लग पा रहा है। अखिल भारतीय खाद्य व्यापारी के महासंघ राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर ठक्कर का कहना है कि खाद्य तेलों की इम्पोर्ट ड्यूटी और कृषि कल्याण शेष फरवरी 2021 में 45 फीसदी था, जो कटौती करते करते अब सिर्फ 5 फीसदी रह गया है। इसके बावजूद दाम इसलिए कम नहीं हो रहे हैं क्योंकि सरकार ने तेल के दाम पर कंट्रोल के लिए सही दिशा में काम नहीं किया। अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट की वजह से भी सरकार की मेहनत पर पानी फिर रहा है। ब्राजील और अर्जेंटीना से सबसे ज्यादा सोयाबीन ऑयल का इम्पोर्ट करते हैं। वहाँ पिछले 3 महीने से लानिनो का असर होने से उत्पादन बहुत कम हुआ है, करीब 40 फीसदी की कमी भी आई है। इसकी वजह से सोयाबीन ऑयल के दाम में वृद्धि हो गई है। दूसरी तरफ इंडोनेशिया, जहां से हम सबसे ज़्यादा मात्रा में पामोलिन तेल का आयात करते हैं, वहां पर 20 दिन पहले सरकार ने उनकी निर्यात नीति में परिवर्तन कर दिया है, जिससे पहले निर्यात करने के लिए कोई लाइसेंस नहीं था, लेकिन अब नई निर्यात नीति में ऐसा नहीं है। कम से कम 20 फीसदी माल इंडोनेशिया की घरेलू खपत के लिए रखना आवश्यक है, जबकि 80 फीसदी माल निर्यात करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। इसलिए निर्यात ठप सा हो गया है, जिससे सिचुएशन भी बदल गई है। यूक्रेन और रूस से भारत सबसे ज़्यादा सूरजमुखी के तेल का आयात करता है। वहाँ अभी युद्ध के हालात बने हुए हैं, जिससे भारत में आयात प्रभावित हो रहा है। इन 3 वजह से भारत में खाद्य तेल की आपूर्ति बाधित हो रही है, दाम भी बढ़ रहे हैं। दूसरी ओर भारत सरकार इसी 3 फरवरी को एक घरेलू कानून लेकर आई है, जिसके तहत देश भर में खाद्य तेल पर स्टॉक सीमा लाद दी गई है। इसके तहत होलसेल व्यापारी 500 क्विंटल, रिटेल के लिए 30 क्विंटल और स्टोर के लिए 1000 क्विंटल की स्टॉक सीमा लगी है। आपूर्ति भी बाधित होने का एक ये कारण भी है। भारत की कुल खाद्य तेल डिमांड का करीब 65 फीसदी इम्पोर्ट किया जाता है, घरेलू उत्पादन 45 फीसदी ही होता है। इसलिए भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन का दाम पर कोई खास असर नहीं होता है। इंटरनेशनल मार्केट में होने वाली हलचल से भारत में खाद्य तेलों की कीमत पर असर पड़ता है। ठक्कर ने बताया कि उनके संगठन के लोगों ने पिछले सप्ताह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की थी। बताया था कि तेल के दामों के संदर्भ में स्टॉक लगाने से आपूर्ति बाधित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। चाहे कपड़े हो, ग्रोसरीज हो, दवाइयाँ हो या हो कोई भी घर का अन्य सामान, और आपको चाहिए हो इंस्टेंट डिलीवरी, अभी डाउनलोड करिए बिग ब्लिस ऐप। बिग ब्लिस ऐप पहुंचाएगा सारा सामान 10 मिनट में। बिग ब्लिस ऐप है खुशियों की अपनी दुकान।